हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में सब मस्त कर रहे होंगे। तो आज आ गया मैं नई वीडियो के साथ, एंड जैसा कि आपने थंबनेल में चेक कर लिया होगा ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा था, उसमें मुझे दो कमेंट्स आए थे इस बाइक के बारे में। एंड मुझे नॉर्मली मुझे अपनी जो वीडियोस है उसके ऊपर भी कमेंट्स आते रहते हैं कि जो है आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं आपके हॉनर 2.0 के। तो आज की जो वीडियो है उसी के बारे में होने वाली है, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ आज के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न होने वाला है, जो मुझे मतलब पसंद नहीं आया हॉनर 2.0 में, जो है इसकी क्वालिटी। तो आप मैं अगर आपको क्वालिटी दिखाऊं तो आप जैसे कि चेक कर सकते हो, टेल लाइट ये है एंड ये पूरा मूव हो सकता है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, देखो टेल लाइट पूरी हिल रही है। एंड अगर मैं इसका साइड की ये दिखाऊं, पूरी जो बॉडी है ये पूरी हिलती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एंड इसकी जो फिनिशिंग है, जैसे कि आप टैंक पैड देख पा रहे होंगे, टैंक है तो इसका साइड से तो इसकी पूरी सही से हो रखा है, लेकिन इस साइड जो है बहुत ज़्यादा गैप है। आई डोंट नो ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग इशू है क्या है, लेकिन ये फिनिशिंग इसकी सही नहीं लगी है मुझे। और इसकी फिनिशिंग में एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं बाइक की, तो जैसे कि जो इसकी फ्रंट हेडलाइट है, इसका जो ये पार्ट है ये तो पूरा क्लीन मतलब जो है इसमें सेट हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये गैप है, तो ये लग ही नहीं सकता है। मतलब इसे मैंने लगाने की कोशिश भी की है, लेकिन ये लग नहीं पा रहा है। तो ये फर्स्ट रीज़न है, मतलब जो फर्स्ट इशू है या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी सही नहीं है। एंड और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगर यहाँ पे आप देख पाओ, ये देखो ये क्वालिटी है थानर 2.0 की। ये क्या है? पूरा फाइबर दे रखा है एंड इसकी बॉडी ऐसे ही खुल जाती है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ एक और ये, तो ये भी मतलब बिल्ड क्वालिटी में ही आएगा। तो ये जो ये साइड के जो इसके ये हैं, ये जो है ये प्लास्टिक के हैं ये एंड दिस साइड, तो ये जो है ये आराम से कोई भी निकाल सकता है। मैं एक बार आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, ये देखो। तो गाइज ये कोई भी निकाल सकता है, एंड ये प्लास्टिक के अगर एक बार बाइक गिरी तो ये टूट सकता है। एंड इससे देखो हैंडल भी कोई भी हैंडल का ये भी कोई भी निकाल सकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये इशू है, मतलब फर्स्ट इशू है, मैं इसे बोलूँगा इशू या डिसएडवांटेजेस बोल लो आप, तो ये वही है। तो मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी सही नहीं है। अगर बाइक एक दो बार कहीं गिरी साइड से तो ये टूट सकता है। बाकी इसका मैंने जैसे कि आपको बता दिया है, ये जो ये है ये बहुत लूज़ है, फाइबर की पूरी बॉडी है। तो ये फर्स्ट जो है मेरा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं अब। सेकेंड जो मेरा मतलब जो मुझे लगता है सेकेंड जो प्रॉब्लम बोल सकते हैं, इशू बोल सकते हैं, वो ये है कि जब मैं बाइक को आराम से जब मैं 100 या 115 के ऊपर चलाता हूँ तो उसका हैंडल जो है ऐसे ऐसे शेक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं मतलब लाइट हैंड से पकड़ता हूँ तो होता है, अगर मैं नॉर्मली मतलब टाइट पकड़ूंगा हैंडल तो सही चलती है। बट मैंने ये फील किया है जब सिटीज़ में या हाईवेज पर जब हम चलाते हैं, एकदम से जब हम पिकअप लेते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, तो उसके हैंडल थोड़ा थोड़ा शेक होना स्टार्ट हो जाता है 115 या 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थोड़ा आगे जाने के बाद। एंड गाइस जो थर्ड रीज़न होने वाला है वो इसका मीटर कंसोल होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, वैसे गाड़ी 8000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन आप अगर दूर से देखोगे, मतलब अभी पूरी धूप हो रही है, आप चेक करो ऊपर धूप हो रही है एंड मीटर बहुत कम दिख रहा है। एंड इसकी फुल ब्राइटनेस कर रखी है मैंने, तो ये भी मुझे लगा कि मतलब डिसएडवांटेज है। आई थिंक थोड़ी बहुत लाइट और होनी चाहिए थी इसकी। एंड इसी के साथ सिमिलरली एक और इसमें इशू है कि इसमें जब भी मैं फर्स्ट के बाद सेकंड गियर डालता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है वो गियर शो नहीं करता है, वहाँ पे बस एक माइनस सा निशान आता है एंड वो गियर शो नहीं करता है। तो ये इसे मैं एक ही इशू जो है मान रहा हूँ, एक तो जो इसकी लाइट है वो थोड़ी कम है एंड इसका गियर पता नहीं कभी कभी होता है, वो मतलब हमेशा नहीं होता, कभी कभार मतलब 5-10 दिन में एक बार हो जाता है, पर ऐसा कोई बात नहीं है वैसे। एंड गाइस जो नेक्स्ट इशू हो जो होने वाला है वो होने वाला है इसका स्टैंड। जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये इस पर डायरेक्ट चेन पे लगता है। एंड जो इशू ये है कि मतलब स्टैंड मतलब जो इसका आप ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे आप तो वैसे ठीक है, लेकिन जब मैं इसके इस बाइक पर दो जने बैठते हैं एंड मैं थोड़ी कभी कभी जैसे स्पीड में होते हैं तो ब्रेकर जो होता है उस पर कभी कभी स्टैंड जो है टकरा जाता है। एंड इसमें यह इशू है कि बार बार जब भी मैं सेंटर स्टैंड से उसे निकालता हूँ तो ये ऐसा लगता है। तो इसे मैं ठीक करवाऊंगा, अभी मैं सर्विस पर अपनी गाड़ी दूंगा तब ये ठीक हो जाएगा ये वाला इशू, पर ये भी एक इशू है मेरे बाइक में। एंड गाइस जो एक और इशू है वो मतलब इशू कह सकते हैं वैसे इसे, क्योंकि अब मुझे हल्के हल्के वो फेस हो रहा, स्टार्टिंग मुझे फेस नहीं हुआ था, तो उसका हेडलाइट का जो इशू है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी ब्राइटनेस है नहीं इस लाइट की, बट मैंने अभी नोटिस करा रिसेंटली मतलब एक दो महीने में कि जो इसका मतलब जो आगे जो जब हम रात में चलाते हैं गाड़ी तो इतना क्लियर व्यू नहीं आता है,
अगर हम जो है इसका डिपर नीचे करके रखते हैं तो इतना क्लियर व्यू नहीं आता है। मेन हाईवेज पे मैंने जो है चलाया है तो हाईवेज पे तो क्लियर व्यू आता है, लेकिन सिटीज़ में क्योंकि और भी एक्सटर्नल जो है लाइट्स होती हैं तो उसके कारण जो है पूरा क्लीन रोड नहीं दिखती है कि आगे क्या है। तो ये भी एक इशू है, जो कि मतलब इशू है भी नहीं भी है, इसे कंसिडर कर सकते हैं। जो अगर जो ज़्यादा राइडिंग वगैरह करता है हाईवेज वगैरह पे उसे इशू नहीं होगा, लेकिन जो सिटी में राइड करता है उसे ऑफकोर्स ये वाला इशू होने वाला है। एंड गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इसे भी इशू मतलब इसे डिसएडवांटेज कहूँगा मैं, वो है इसका ये गोल्डन फोक्स। तो ये दिखने में तो अच्छे हैं, बट जैसा कि मैंने और बाइक्स भी चलाई है, बाकी बाइक के मुकाबले इसका जो सस्पेंशन है थोड़ा सा हार्ड है। अगर मैं जब ज़्यादा चलाता हूँ गाड़ी को, मतलब 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तब जो है एक तो मेरे बम में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, एंड इसके कारण जो है हमारे एल्बो पे भी थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर एकदम से ब्रेकर आएगा तो ये इतना ज़्यादा मतलब जो वाइब्रेशन है उसे एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ये भी इसका जो है डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। तो गाइस बस इतना ही था आज के, जो मुझे जो मेन पॉइंट्स जो आपको बताने थे, जो उसके प्रॉब्लम्स एंड जो डिसएडवांटेजेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड मैं आपको सबसे पहले थैंक यू पे कहना चाहूँगा, मैंने मेरे जो है 500 सब्सक्राइबर जो है पूरे हो चुके हैं, एंड जो रिसेंटली जो 100 सब्सक्राइबर है वो तो अराउंड 5-6 दिन में ही हो गए थे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स, लव यू फॉरएवर। सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब करा है चैनल को, ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो, एंड प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहे। एंड बाइक के अलावा मैं अब और धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा कुछ टाइम तक तो, एंड कुछ टाइम बाद जो है हम घूमने फिरने भी जाएंगे तो उसके भी हम जो है वीडियोज़ बनाएंगे। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था, प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बताना जो ये बाइक है वो कैसी लग रही है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो चलो गाइस अब चलते हैं, मेरा भी टाइम हो चुका है, एंड हम मिलेंगे आपसे जल्दी अगली वीडियो में। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी होने वाले, क्योंकि अभी जो मेरी गाड़ी है वो 8000 किलोमीटर चल चुकी है, एंड से एक साल होने को है, तो अभी मैं 3-4 दिन में अपनी गाड़ी जो है सर्विसिंग के लिए दे दूंगा, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक तक जो है इसकी सर्विस वाली वीडियो भी आ जाएगी, जो थर्ड एंड लास्ट सर्विस होने वाली है, जो कि फ्री सर्विस होगी, उसके बाद से पेड सर्विस स्टार्ट होगी। तो देखता हूँ उस समय अपनी प्रॉब्लम बताऊँगा कि स्टैंड में जो इशू हो रहा है, एंड जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, देखते हैं क्या इशू जो है सॉल्व होते हैं, अगर सॉल्व होते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।